नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा एक व दो की कम्बाइंड रूप से लिखी हुई शिक्षक डायरी जो 26 नवंबर 2022 से 1 अक्टूबर सन 2022 तक की लिखी हुई होगी। जो आपको 22 सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है उसका सप्ताह 9 रहेगा और इस सप्ताह में हमें अब तक जो हमने पढ़ाया है उसका शाब्दिक आकलन करेंगे। कैसे करेंगे वीडियो में जान पाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करना और वीडियो शेयर करना। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो देखते हैं सर्वप्रथम 26 नवंबर 2022 में हमें क्या लिखना है। कक्षा में एक बार दो रहेगा, यहाँ हम विषय अंकित कर देंगे। इसके लर्निंग आउटकम व चैनल पर इस पर हमें कार्य कराना है यहाँ अंकित करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संचित एवं स्पष्ट विवरण यहाँ देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे हिंदी मौखिक भाषा में, तो विषय में तो हमारे हिंदी भाषा, गणित, अंग्रेजी और सह पाठ्यक्रम रहेगा। यहाँ देखेंगे जो हिंदी के 3 कालांश होते हैं उनमें हमें इस सप्ताह अभी क्या कराना है, आज के दिन हमें कराना है केवल आकलन। शाब्दिक आकलन करेंगे, जो हमें प्रपत्र दिया गया है उसके अनुसार यहाँ वर्ण अक्षर पहचान एवं शब्द पठन से शाब्दिक आकलन करना रहेगा। सुनकर लिखो, यहाँ अभ्यास कक्षा स्तर के अनुसार करेंगे। लेकर वन में प्रदर्शन के अनुसार दर्ज करेंगे और बच्चों का स्थान। मध्याह्न भोजन होगा। उसके बाद गणित में देखेंगे शिक्षण योजना वन रहेगी, जो साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका है उसमें आपके लिए ये जो शिक्षण योजना है वो मिल जाएगी, वो यहाँ पर इसके अनुसार हमें कार्य करना। कक्षा एक में हम देख लेते हैं तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सकें इस पर हमें कार्य करना है। और कक्षा 2 में देखेंगे तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को इकाई दहाई के रूप में समझ सकें इस पर हमें कार्य करना है। और जो हमारा अभ्यास कार्य पत्रक दिया गया है PDF में कार्य पुस्तिका से रिलेटेड, वो आपका आज बन रहेगा। अंग्रेजी में हम देखेंगे तो लेसन बन है लेट्स स्पीक, कक्षा 1 का पाठ है। यहाँ से A से लेकर Z तक बोलने का अभ्यास कराना रहेगा कक्षा 1 व 2 दोनों में। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम, तो यहाँ रहेगा बोल भाई कितने आप चाहो उतने सह पाठ्य खेल कराएंगे। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यहाँ हो जाएगा कि आज का आकलन कार्य व शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद 27 नवंबर 2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखना है। यहाँ देखेंगे जो हमने मंडे को एक्टिविटी कराई थी, जो क्रियाकलाप किए थे, वो ही आज यहाँ कराना है। और जो आपका अभ्यास पत्रक है 53, वो उस पर कार्य कराना है। मध्याह्न भोजन उसके बाद कक्षा 1 में देखेंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सकें। कक्षा 2 में देखेंगे तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को इकाई दहाई में समझ सकें इस पर हमें कार्य कराना है। अभ्यास कार्य पत्रक आपका 2 रहेगा। अंग्रेजी में हम देखेंगे लेसन 1 लेट्स स्पीक कक्षा 1 से A से लेकर Z तक बोलने का अभ्यास कराना रहेगा। और सह पाठ्यक्रम में आज बच्चों से गीत कहानी कविता सुनना रहेगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यह हो जाएगा कि आज का आकलन कार्य व शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 28 नौ 2022 में देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या अंकित करना है। यहाँ देखेंगे मौखिक भाषा विकास से संबंधित आकलन अवलोकन दोहराव एवं अभ्यास पर कार्य करना रहेगा। और समूह निर्माण का कार्य आज करेंगे, यहाँ समूह 1 और समूह 2 बनाना रहेगा। और अभ्यास कार्य पत्रक 55 पर कार्य कराना रहेगा। इसके बाद मध्याह्न भोजन, उसके बाद शिक्षण योजना 03 देखेंगे तो कक्षा 1 में देखेंगे यहाँ 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के मान और क्रमांक की समझ में अंतर कर सकें इस पर कार्य करेंगे। कक्षा 2 में देखेंगे तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को इकाई व दहाई के रूप में लिख सके इस पर हम अभ्यास कार्य करेंगे। इसके बाद देखेंगे आपका जो अभ्यास पत्रक रहेगा वो 03 रहेगा। अंग्रेजी में हम देखेंगे लेसन लेट्स इससे कक्षा 2 का पाठ है ये, कैपिटल लेटर में लिखने का अभ्यास कराना रहेगा A से लेकर Z तक। अब आता है हमारा सह पाठ्यक्रम, तो यहाँ चित्रकला में आम का चित्र बनवाना रहेगा। और लास्ट में क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यहाँ हो जाएगा कि समूह निर्माण व शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 29 नौ 2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। यहाँ देखेंगे अब हमें 4 से लेकर 12 दिन तक हमें रेमेडियल गतिविधि और पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य कराना पड़ेगा बच्चों के अनुसार, समूह के अनुसार।
यहाँ देखेंगे मौखिक भाषा विकास संबंधित अवलोकन, दोहराव एवं अभ्यास पर कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य पत्रक आपका यहाँ 56 पर कार्य कराना रहेगा। मध्याह्न भोजन, उसके बाद गणित में देखेंगे तो आज कक्षा 1 से लेकर 2 तक जो अभी तक शिक्षण योजना कराई थी उनसे रिलेटेड जो भी गतिविधि दी गई है वो समेकन गतिविधि कराना रहेगा। इसके बाद कक्षा 1 व 2 में अभ्यास कार्य पत्रक मैंने सीख लिया पर कार्य करेंगे, होमवर्क देना रहेगा। अंग्रेजी में हम देखेंगे तो हमारा लेसन 1 लेट्स स्पीक, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखने का अभ्यास रहेगा ए से लेकर जेड तक। सह पाठ्यक्रम में हम देखेंगे आज खेल रखेंगे, रेलगाड़ी कराना रहेगा। और अब आता है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन, यह हो जाएगा कि शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेट 30/9/2022 में देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। यहाँ देखेंगे यहाँ मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन, दोहराव एवं अभ्यास पर कार्य करेंगे। समूह 1 समूह 2 के अनुसार कार्य कराना रहेगा। अभ्यास कार्य पत्र 57 पर कार्य करना रहेगा। मध्याह्न भोजन, इसका गणित में देखेंगे कक्षा 1 व 2 में समेकन रेमेडियल गतिविधि कराना रहेगा। कक्षा 1 व 2 में साप्ताहिक अभ्यास पर कार्य करेंगे, होमवर्क देना। इसके बाद अंग्रेजी में देखेंगे लेसन 1 लेट्स स्पीक कैपिटल लेटर को लेटर में लिखने का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके बाद सह पाठ्यक्रम देखेंगे तो बच्चों से आज गीत कहानी कविता सुनना रहेगा। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यहाँ हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। अब हम चलते हैं सप्ताह का लास्ट डे रहेगा 1/10/2022 1 अक्टूबर। यहाँ देखेंगे यहाँ लिखना है मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन, दोहराव एवं अभ्यास पर कार्य करेंगे। समूह 1 समूह 2 के अनुसार कार्य कराना रहेगा, होमवर्क देना रहेगा। मध्याह्न भोजन, कक्षा 1 व 2 में गणित में देखेंगे तो आज साप्ताहिक आकलन करेंगे। कक्षा 1 व 2 में अब जो कार्य पुस्तिका है उसमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति दी गई है, उस पर हमें कार्य करना है, बच्चों को होमवर्क देना है। इंग्लिश में हम देखेंगे तो लेसन 2 लेट्स से ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर में लिखने का अभ्यास और बोलने का अभ्यास कराना रहेगा। इसके लिए यहाँ देखेंगे सह पाठ्यक्रम में चित्रकला में आम का चित्र बनवाना, रंग भरवाना रहेगा। लास्ट में क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन यह हो जाएगा कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। तो यदि कक्षा 1 व 2 की शिक्षा डायरी कम्बाइंड रूप से, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।